और ये वो नात है जो रब्बुल आलमीन ने लिखी है। किसी बंदे ने आज तक आपको कहा हो आप तिलावत के दौरान आप सुभान अल्लाह कहें? नात खान तो कहता है आप दाया हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहें, फिर बाया हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहें, हाथों को पिस्तौल बना लें। कभी आपने किसी कारी को सुना है? आज तक बता दें किसी कारी को सुना हो उसने कहा सुभान अल्लाह कहें। देखिए इसने पढ़ना है आपकी सुभान अल्लाह माशाल्लाह पे। आप तो ऐसे लग रहा है जैसे सोए हुए हैं, हालांकि हम तो हर साल यहाँ आते रहते हैं। मतलब हमारा तो यूं समझ लें कि हम यूं समझते हैं कि अगर यहाँ का टूर ना हो तो वो टूर मुकम्मल ही नहीं होता। यकीन करें जुल्फकार साहब की इतनी मोहब्बत है, यानी ये एक महीना को 10 दिन का टूर है, तो हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो यूं समझ लें कि ये कहते हैं कि अगर जुल्फकार साहब के गांव में प्रोग्राम ना हुआ तो वो टूर ही नहीं कम्प्लीट। आप तो ऐसे सुन रहे हैं, हालांकि आप सुनने वाले हैं और रिजा को तो सुनते रहते हैं, आप मुसलसल सुनते रहते हैं। और ये वो बंदा है जो लाखों के मजमुओं में पढ़ने वाला है, हजारों नहीं कह रहा, तो हम तो सैकड़ों में भी नहीं है, तो लाखों में पढ़ने वाला जो बंदा है आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह नहीं कहेंगे तो कैसे पढ़ेगा? या फिर यही होगा 5-7 मिनट के बाद वो सदा कल्ला अजीम कह देगा। तो हम तो ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि कारी रिजा अय्यूब जब से पाकिस्तान आ रहा है इसके हजारों शगिर्द पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं, तो हम तो ये समझते हैं कि धांधरा में भी रिजा अय्यूब के शगिर्द पैदा हो चुके हैं। पैदा होने का मतलब ये होता है कि जब कभी आप बाजार में जा रहे हों तो कोई बच्चे इसकी नकलें उतार रहे हों तो ये इसका मतलब होता है उसके शगिर्द बन चुके हैं। अगर तो आपके ये चीज पैदा हो चुकी है आपके गाँव में, तो फिर हम बरहाल समझते हैं कि धांधरा में रिजा अय्यूब इतनी दफा आ चुका है कि इसके वहां पे चाहने वाले या इसके शिगिर्द पैदा हो चुके हैं। तो तिलावत का तरीका कार ये होता है कि जब भी कारी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, आप भी सारे के सारे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें। उसका फायदा ये होगा कि आप इस तिलावत का हिस्सा बन जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह हमने कहते रहना है, क्योंकि उसके बाद सारी सुभान अल्लाह माशाल्लाह की बारी है, लेकिन आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के दौरान आपने ना सुभान अल्लाह कहना है ना माशाल्लाह कहना है। बकायदा आउज़ु बिल्लाह पढ़ना है, जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। कुरान पाक की आयत है कि जब कुरान पाक की आयात ईमान वालों पे तिलावत की जाती हैं तो उनके दिल पसीज जाते हैं, उनके दिल झूम उठते हैं। तो इंशाल्लाह ये दुनिया का वो कारी है। पहले आपको बताते रहते हैं, मेरे ख्याल इतनी जरूरत नहीं थी कि पानी चल रहा हो ना तो रिजा अय्यूब तिलावत शुरू कर दे तो पानी रुक जाता है। मतलब हम कई दफा कई जगहों पे गए हैं, रिजा अय्यूब बहुत खुश होता है, हम तिलावत करके सुबह निकले हैं, सब कहीं 10 बच्चे बैठे थे, 10 ये क्या है जगह है वादिय सून में, वहां यही हुआ कि ये सब निकला तो कम से कम 10 बच्चे थे जो इसकी नकलें उतार रहे थे, ये बड़ा खुश हुआ, बड़ा ही खुश हुआ। हम इसको ये बताते हैं कि आपके हजारों शिगिर्द पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो अभी तो आपने हुस्ने यूसुफ देखा है, ये दुनिया का बहुत बड़ा कारी था जो आपके सामने अभी पढ़ के गया है, लेकिन आपकी माशाल्लाह आप, मैंने पहले बताया ना कि आपने इसको पढ़ाना है। आप अगर चुप करके बैठेंगे तो वो भी चुप करके समझ दूसरे लफ्जों में बैठ जाएगा। ये बहुत बड़ा कारी था जो आपके सामने पढ़ के गया है, लेकिन आपने उसको दाद ही नहीं दी, वो कैसे पढ़ता आगे? दाद नहीं देंगे तो ये भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब कारी वक्फ करता है आप सारे कारे सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहें, बल्कि बीच में जो नौजवान हैं वो अगर उसके खड़े हो जाएं ये और खुश होते हैं। उसका ये होगा, आपने तो शायद उन लोगों की महफिल कभी देखी हो तो वो ऐसे उनके बच्चे खासकर ऐसे उठते हैं जैसे कारी साहब को उठा के नीचे ले आना है। अब यौन वो नहीं करते तो कम से कम अपने होने का तो सबूत दें ना, चले अपने बैठे बैठे अपनी जगह पे हाथ खड़े करें, इसको ये पता चले कि ये इनको मेरी कुछ समझ आ रही है। अगर आप चुप करके बैठेंगे तो ये भी थोड़ी देर में सदक अल्लाह अजीम कह देगा। तो अभी आपने हुस्ने यूसुफ देखा है, अभी आपने रंगे बिलाली देखना है, वो बिलाल जो अजान ना पढ़े तो सूरज ही न चढ़े, वो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। लेकिन जैसे अभी सुभान अल्लाह कहा इसी तरह कहेंगे तो इसने पढ़ना है। इसी तरह एक कुरान पाक तरतीब दिया जा रहा है, सुन्नी जमातुल कुरा पाकिस्तान आप लोगों के लिए एक तहरीरी काम भी कर रही है कि ये लोग जो आपको सबक सुना के जाते हैं कि आपको याद भी रहेगा कि नहीं, यानी हमारे में भी बड़े बड़े कारी पैदा हो सकते हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पैदा होने हैं, हमारे में से भी इन बच्चों में से रिजा अय्यूब पैदा होने हैं,
लेकिन उसके लिए किसी गाइडलाइन की जरूरत थी, वो भी काम कर रहे हैं। तजवीद के साथ कुरान पाक लिखा जा रहा है, तजवीद को बैनस्तूर लिख दिया है ताकि हमारे आम लोग भी तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सकें, क्योंकि इससे पहले वो रंगों वाला सिलसिला चल रहा था, उससे थोड़ा सा आगे काम बढ़ा दिया है ताकि आसानी हो जाए। इसी तरह एक कायदा भी तरतीब दिया है, बच्चों को रट्टा सिस्टम और डंडा सिस्टम के बगैर पढ़ाया कैसे जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों यही सिस्टम सिलसिले चल रहे हैं, या डंडा सिस्टम या रट्टा सिस्टम, यानी सबक देना, याद करवाना और फिर सुनना। एक कायदा तरतीब दिया जा रहा है जिसमें देना और याद कराना दोनों बीच में से खत्म कैसे हो सकते हैं, उसकी वजह तलीम नूरानी कायदा लिखा है इसलिए कि हमारे यहाँ तकरीबन ओवरऑल नूरानी कायदा ही चल रहा है, बल्कि अहले सुन्नत की तरफ से दो बड़े काम हुए कायदे 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 पे, रहमानी कायदा या मदनी कायदा, दोनों ने उठा के उसी नूरानी कायदे की कापी कर दी। मसलन बाजबर बा बाजिर बी बा पिशबू, ये छह अरब बनते हैं, जबकि हम पढ़ाओ उस बच्चे को रहे हैं जो बच्चा स्कूल में जाके दो दो महीनों में ए सीख रहा है। बच्चा तो वही है ना जो उधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है, उधर अगर एक दिन में एक हरफ नहीं सीख पाता तो इधर छह कैसे सीख लेगा। इसको आप दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि बच्चा आपका एक किलो भी उठाने के काबिल नहीं था, आपने उठा के छह किलो उसके सर पे रख दिया और फिर उसके पीछे एक डंडा रखा कि चल लेके इसको, वो जो डंडा है उसके बगैर बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। आपने यसरुल कुरान का नाम सुना होगा जो 1927 में बड़े सगीर पाक में सबसे पहले कायदा लिखा गया था, उसी की कापियां, लेकिन उसकी भी जदीद तरीन शक्ल है मौजूदा दौर के तकाजों के मुताबिक। या इसको यूं कह दें कि हमारे यहाँ अमूमन कुरान पाक पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। इसमें थोड़ी सी कोशिश की है बच्चों को कुरान पाक सिखाया जाए ताकि उन पढ़ना उनको खुद से आए। आपके शहर में भी मौजूद है इकरा बुक डिपो पे, मेरे पास भी मौजूद है, अगर कोई दोस्त लेना चाहें तो बाद में ले सकते हैं। और माशाल्लाह सुभानअल्लाह कहेंगे तो इसने पढ़ना है, वैसे दिल्ला माशाल्लाह ये इतना कहे कि मजबूर कर देता है सुभानअल्लाह माशाल्लाह कहने पे, यानी आप ना चाहते हुए भी कहेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा तो ये और बेहतर पढ़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।